व्हाट डायमंड्स फिर से? अभी तो मुझे डायमंड्स मिले थे भाई, कितना सही लग गया मेरा। तो फाइनली गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी माइनक्राफ्ट हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज। तो हम इस वीडियो में फुल आयरन गियर लेने की कोशिश करेंगे और एक डायमंड पिकैक्स एंड थोड़े से और डायमंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक्स फॉर 15K सब्सक्राइबर्स। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि जब मेरे 15K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज आएगी, लेकिन अभी तो 17K हो गए। सॉरी गाइस, सर्वाइवल सीरीज थोड़ी लेट हो गई थी। तो चलो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, मैंने वर्ल्ड में हार्डकोर का आयरन ऐड कर दिया और वर्ल्ड का नाम डायनमोज हार्डकोर रख लिया और फिर मैंने वर्ल्ड क्रिएट कर दी। तो गाइज, हमारी वर्ल्ड ऑलमोस्ट लोड हो चुकी है। तो गाइज, हम स्पॉन हो चुके हैं हमारी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड में और यार देखो, इन्होंने हमें पेड़ पे स्पॉन कर दिया। गजब बेइज्जती है। तो यार, ये हार्डकोर मोड है इसलिए हमें जल्दी से ग्राइंड करना पड़ेगा। अरे भाई, विलेज वो भी स्पॉन पर। यार मैं तो बहुत लकी हूँ। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। डे वन पे पहले तो मैंने विलेज को एक्सप्लोर किया, फिर मैंने विलेज को लूटा भी और विलेज का एक्सप्लोर करते करते रात भी हो गई और ऐसे ही हमारा डे वन खत्म हो गया। डे टू स्टार्ट होते ही मैं पेड़ काटने चला गया। वुड माइन करने के बाद मैंने एक वुडन पिकैक्स बनाई और वुडन पिकैक्स से काफी सारा स्टोन माइन किया। काफ़ी सारा स्टोन माइन करने के बाद मैंने सारे स्टोन के टूल्स बना लिए। फिर मुझे काफ़ी भूख लग रही थी इसलिए मुझे टेक्नोब्लेड को मारना पड़ा। डे थ्री पर मैंने डायमंड माइनिंग की प्रेपरेशंस की और फिर डे थ्री पर मैं माइनिंग के लिए भी चला गया। तो मैं आप लोग को मिलता हूँ वाई लेवल 12 पर। यार हम फाइनली पहुंच चुके हैं वाई लेवल 12 पर। अब हम ऊपर लैडर लगा देते हैं, फिर हम माइनिंग करना स्टार्ट करेंगे। A few moments later. और गाइस, काफी टाइम माइनिंग करने के बाद फाइनली हमें हमारी वर्ल्ड के पहले डायमंड्स मिल गए। मैं एक बार साइड वाले ब्लॉक से हटा के देख लेता हूँ कितने डायमंड्स आए। तो गाइस, हमें मिले हैं टोटल 4 डायमंड्स। A few moments later. And check this out, guys. हमें फिर से डायमंड मिल गए और वो भी पिछली बार जहाँ मिले थे उससे इतना ज्यादा नजदीक। एंड देखो गाइस, डायमंड्स और के बीच में रेडस्टोन ओर्स भी जनरेट हुई पड़ी हैं। तो यहाँ से हमें टोटल 3 डायमंड्स मिले हैं। तो हमें माइनिंग करते करते थोड़ा सा आयरन भी मिल गया था, जिससे हमने आयरन पिकैक्स भी बना ली। आगे माइनिंग करते हुए हमें रेडस्टोन के साथ थोड़ा सा लैपिस भी मिल गया था और फिर मैं आगे माइनिंग करने चला गया। एंड चेक दिस आउट गाइज, हमें फिर से डायमंड्स मिल चुके हैं। तो गाइज, हमें यहाँ पे कोल के साथ साथ 5 डायमंड्स भी मिल चुके हैं। तो गाइज, आगे माइनिंग करते हुए हमें और आयरन भी मिल गया। एंड फिर बहुत ज़्यादा माइनिंग करने के बाद हमें फाइनली फिर से डायमंड्स मिल गए। तो यार, हमें यहाँ पे आयरन के साथ साथ टोटल 6 डायमंड ओर्स मिली। फिर मैं वहाँ से आयरन माइन करके आयरन स्मेल्ट करने चला गया, क्योंकि हमारे पास काफ़ी आयरन हो चुका था आयरन का आर्मर एंड टूल्स बनाने के लिए। और गाइज देखो, ये क्रीपर यहाँ पर कहाँ से आ गया। मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। पहले तो मैंने इस क्रीपर को ट्रोल किया, फिर बाद में मैंने इसको मरने दिया। मुझे और पिकैक्स बनाने के लिए स्टिक्स की जरूरत थी, इसलिए मैं घर पे वुड लेने चला गया। स्वागत तो करो हमारा। नहीं। और जब मैं वापस माइनिंग एरिया पे आया तो वहाँ पे स्लाइम मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने स्लाइम्स को इजिली मार दिया और फिर मैंने वहाँ का एरिया ब्लॉक कर दिया। तब तक हमारा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था, इसलिए मैंने आयरन का आर्मर एंड शील्ड भी बना ली। तो गाइज, हमने फाइनली आयरन का आर्मर डाल लिया और आयरन का आर्मर डाल के काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमारे पास काफी आयरन बच गया था, तो मैंने सारे आयरन के टूल्स भी बना लिए। तो फिर रात भी होगी थी इसलिए मैं सो गया। तो गाइज, मैंने सिर्फ 5 डायमंड ही माइन किए थे, 3 पिकैक्स के लिए और 2 इंटेंटिंग टेबल के लिए, और फिर मैंने डायमंड पिकैक्स क्राफ्ट भी कर ली। तो देखो गाइज, मैं यहाँ पे कोल माइन करने आया था और मुझे पे कोल के साथ साथ 4 डायमंड्स भी मिल गए। तो गाइस, काफी टाइम और माइनिंग करने के बाद हमें फाइनली हमारी वर्ल्ड का पहला गोल्ड भी मिल गया। तो गाइस, हमें 2-3 घंटे तक माइनिंग करने के बाद और अपनी 25-30 स्टोन पिकैक्स तोड़वाने के बाद हमें बहुत सारे डायमंड्स मिले, आप देख ही सकते हैं। मैंने इनमें से किसी भी डायमंड को माइन नहीं किया, क्योंकि हम इनको माइन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में फॉर्च्यून 3 वाली पिकैक्स के साथ। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ठोक कर जाना। एंड गाइस, अगर आपको भी ये वाला टेक्सचर पैक डाउनलोड करना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।